से आप सभी का स्वागत है और सबसे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगी जो दिखाने वाले हैं, जो डरावनी भी है, हैरान करने वाली भी है। दरअसल हिमाचल के ऊना में सैलाब का जो कहर है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पंजाब बॉर्डर के पास तेज बारिश की वजह से सैलाब आया और सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हिमाचल के ऊना की तस्वीर है जहां बादल फटने की वजह से सैलाब आया और उसके बाद किस तरीके से वहां पर पानी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है कि आसपास पानी के सैलाब में सारी कुछ जो है, हर चीज़ें जो आसपास पानी की आई वो सभी जो है अपने साथ बहाकर लेकर गई है। तो कितना यहाँ पर जो नुकसान हुआ है तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं और तबाही जो है लगातार हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। कहीं भूस्खलन की तस्वीरें सामने आती है और देर रात देखिए ऊना की तस्वीर आपको दिखा रहे जहां बादल फटने की वजह से यह सैलाब रौद्र रूप नदी का देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ कई घर जो है इस पानी में समा गए हैं। और इसी के साथ अब ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे, कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो ये डराती है कि आखिर जो ये हालात बने हुए हैं, क्योंकि मानसून जो है अभी भी उसका असर देखने को मिल रहा है, ना सिर्फ भारत में बल्कि लगातार हम दिखा रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है बाढ़ बारिश से हाहाकार है। बिल्कुल, और ये तीन तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कैम वन, कैम टू, कैम थ्री, तीन एंगल की ये तस्वीरें हैं, लेकिन आपको कहानी और तस्वीर एक जैसी, नज़ारा एक जैसा ही दिखाई दे रहा है जहाँ पर सैलाब का कहर है और अस्त व्यस्त लोगों के जीवन दिखाई दे रहे हैं, पानी पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात वहाँ पर पैदा हो गए हैं। मानसून अभी भी सक्रिय है, अगस्त का महीना है, और इस बीच हिमाचल प्रदेश के ऊना में फिर जल प्रलय की ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए एक एक करके तस्वीर दिखाते हैं और हालात समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये तस्वीर सामने आई है यहाँ पर किस तरीके से, देखिए लोग जो हैं इस त्रासदी को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं क्योंकि तस्वीर जो है लोगों को डरा रही है। किस तरीके से यहाँ पे सड़कों पर जो पानी है वो बहता हुआ नजर आ रहा है, इस कदर पानी बह रहा है इसे देख कर आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि बादल फटा हिमाचल के ऊना में, उसके बाद सड़कों पर पानी का जो सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। और देखिए हर जगह जहाँ जहाँ आप नजर दौड़ाएंगे वहाँ सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। और देखिए यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है, कई घर जो आसपास थे वो ये बताए जा रहे हैं कि पानी के सैलाब में जो है वो बहते हुए चले गए। इसके अलावा कई गाड़ियाँ जो पानी है वो अपने साथ लेकर चली गई है, यानी कि गाड़ियाँ जो है पूरी तरीके से डूबी हुई नजर आई, और लोगों को अब आने जाने में काफ़ी मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि रास्ते बाधित। देखिए अभी तस्वीर सामने आई है किस तरीके से यहाँ पर जो गाड़ी है वो बहते हुए नजर आ रही है, ये पानी का सैलाब नजर आ रहा है और ये बता रहा है कि वहाँ पर जो अभी हादसा, यानी कि लगातार हादसा हो रहा है, उसके बाद क्या हालात, क्या मंजर बने हुए हैं। देखिए ये गाड़ी ताश के पत्तों की तरह पानी में बहती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा भी देखिए हिमाचल से तस्वीर सामने आई है जहां लगातार भूस्खलन और भूस्खलन के बाद जो है कई ऐसे नेशनल हाईवे हैं, कई ऐसे रास्ते हैं जो बंद हो चुके हैं जिससे आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया है। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें दिखाएंगे हिमाचल के ही ऊना में जहां सैलाब के बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं, गाड़ियां बहती हुई दिखाई दे रही हैं, जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, यातायात पूरी तरीके से ठप दिखाई दे रहा है प्रभावित। और ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये देखिए ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अपने साथ ये बाढ़ बहाकर ले गई है, दर्जनों वाहन टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, बारिश से भारी तबाही, भारी नुकसान की आशंका है। ये तस्वीर जहां आपको कई वाहन दिखाई दे रहे हैं और टूटे हुए और बुरी स्थिति में, क्षतिग्रस्त हालत में ये वाहन नजर आ रहे हैं। जल प्रलय के बाद क्या कुछ हालात, क्या कुछ सिचुएशन वहां पर पैदा हो गई है ये तस्वीरें में आप देख सकते हैं, दर्जनों वाहन बह गए हैं, बारिश के बाद भारी नुकसान वहां पर हुआ है और वाहन क्षतिग्रस्त स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये हम हिमाचल की ऊना से आपको दिखा रहे हैं जहाँ जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है, लोगों का बाहर निकलना घरों से मुश्किल हो गया है, पेड़ पौधे जो है बिखरे दिखाई दे रहे हैं, टूटे दिखाई दे रहे हैं, और ये देखिए जड़ से पेड़ निकला हुआ टूटा दिखाई दे रहा है। ये जो आप घर की हालत देख रहे हैं, यहाँ पर पेड़ गिरा, ये वाहन आप देख रहे हैं, स्कूटर भी देख रहे हैं, किस तरीके से फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब बाढ़ यहाँ पर आई, जल स्तर इतना बढ़ गया तो उसी में बहाकर अपने साथ इन वाहनों को वो ले गए।
तो ऊना की तस्वीर हमने आपको दिखाई, अब जरा आपको नाहन की तस्वीर दिखाते हैं। वहां पर भी किस तरीके से त्रासदी मची हुई है और किस तरीके से हादसा हुआ है, जरा आपको ये भी तस्वीर दिखा दें, क्योंकि लोग वहां पर भी त्राही त्राही कर रहे हैं, क्योंकि काफी हादसा जिस तरीके से वहां पर तबाही मची है, इसे लेकर लोगों का जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे, ये नाहन की तस्वीर है जहाँ किस तरीके से यहाँ पर जल प्रलय का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। जो नदी नाले हैं वो उफान पर नजर आ रहे हैं और अपने साथ जो भी चीजें सामने आ रही है उसको बहाते हुए जो नदियां हैं वो लेकर जा रही है। यहाँ पर देखिए एकदम से जो नदियां हैं वो उफान पर आती है, उसके बाद वहां की जो स्थिति है वो बिगड़ चुकी है। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से गाड़ी जो है एकदम से पानी में डूबती है और जो हाहाकार वहां पर मचता हुआ नजर आता है। और लगातार देखिए ये जो आकाशीय आफत निकलकर सामने आई है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। ये तस्वीर सामने आई है नाहन की, जहां पर बाढ़ और बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आगे बढ़ते हुए टीवी स्क्रीन्स पर कुछ और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये छह तस्वीरें आप देख रहे हैं, हिमाचल के ऊना की बात करें, पटना की बात करें, अलग अलग इलाकों और अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं, लेकिन नजारा एक जैसा ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं, पानी भरा हुआ है, जहां नजर डालेंगे आपको पानी दिखाई दे रहा है, और उसके बाद सैलाब के बाद के जो हालात हैं वो भी इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहे हैं। अस्त व्यस्त हो गया है लोगों का जनजीवन, घरों में रहने को मजबूर है, यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया है, पानी पानी नजर आ रहा है, पेड़ पौधे बिखरे हुए हैं, जड़ से उखड़े दिखाई दे रहे हैं, वाहन क्षतिग्रस्त टूटे नजर आ रहे हैं, लोगों का भारी नुकसान हुआ है। पांच और तस्वीरें हिमाचल की आपको दिखाते हैं, हिमाचल में क्या कुछ हालात, चार तस्वीरें माफ कीजिए आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं, चाहे बात किन्नौर की हो, नाहन की हो, हिमाचल प्रदेश, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहत बचाव कार्य जारी है, रेस्क्यू के लिए टीम पहुंची हुई है, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम मौके पर ही है, लोगों को ढूंढने का काम जारी है, बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन जो वहां के हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि वहां की जो स्थिति है वो बेहद ही बेकार बताई जा रही है। तो तस्वीरों के जरिए हमने हिमाचल के हालात बताए, जरा कुछ और जगहों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अमूमन वहां से भी यही तस्वीरें सामने आ रही है जहां बाढ़ और बारिश ने किस तरीके से तबाही मचाई है वो जरा आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। देखिए ये कुछ तस्वीरें सामने आई, दिल्ली की, गुरुग्राम की, चंडीगढ़, करौली, भरतपुर, होशियारपुर, धर्मशाला, चमौली, यमुनानगर, पुंछ और बलिया, इसके अलावा प्रयागराज की भी वही तस्वीरें। भले देखिए जगह अलग अलग हो लेकिन हालात जो है एक जैसे सामान्य बने हुए हैं हर जगह पर, जहां कहीं गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है, तो कहीं नदी नाले जो है वो उफान पर नजर आ रहे हैं, तो कहीं आपको बता दें कि बाढ़ और बारिश की वजह से खेतों में पानी भर गया है, किसानों को भी काफी नुकसान पहुंचा है, किसान भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं इस बाढ़ बारिश की वजह से। इसके अलावा बार बार मौसम विभाग की तरफ से भी ये चेतावनी दी जा रही है कि अगर ज्यादा जरूरत ना हो तो आप घरों से बाहर ना निकले, खास करके हिमाचल में ये बार बार अलर्ट जो है लोगों के लिए जारी किया जा रहा है। चाहे बात ऊना की औद्योगिक क्षेत्र की हो, चाहे बात हो नाहन की, देश भर की ये जो तस्वीरें हैं वो भयावह हैं और डरा रही हैं। देश भर से अलग अलग कोने की हमने आपको तस्वीर दिखाई, ओवरऑल क्या कुछ हालात हैं एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। चाहे बात मैदानी इलाकों की हो, चाहे बात पहाड़ी इलाकों की हो, त्राहिमाम मचा हुआ है। कहीं बेघर होते लोग तो कहीं मदद का इंतजार करते हुए लोग। तस्वीरें हैं देश के अलग अलग राज्यों की, हर जगह बाढ़ बारिश से भारी तबाही मची हुई है, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। हालात ये हैं कि लोगों को बेघर होकर अपने लिए आशियाना ढूंढना पड़ रहा है। लैंडस्लाइड से तबाही की ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली जिले की हैं, जहां भूस्खलन के बाद पहाड़ी का एक हिस्सा हाईवे पर आ गया, जिसकी वजह से यातायात रोक दी गई है। गनीमत रही हादसे के वक्त वहां से कोई नहीं गुजर रहा था। टापू पर फंसे सात लोगों की ये तस्वीर हिमाचल के सिरमौर जिले की है, जहां पानी के बीच फंसे सात लोग मदद की उम्मीद में राह देख रहे हैं। हालांकि बुलडोजर की मदद से सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। बारिश के चलते उत्तराखंड और हिमाचल में जहां त्राहिमाम मचा हुआ है, वहीं पंजाब के होशियारपुर से डराने वाली तस्वीर सामने आई है।
बाढ़ के पानी में कई कार बह गईं। कार में 11 लोग सवार थे। एक बच्चे को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 9 लोगों के शव बरामद हुए हैं। पहाड़ के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बारिश से बुरा हाल है। हरियाणा के यमुनानगर के कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। सोम नदी का तटबंध टूटने से कई गांव में पानी भर गया। घरों में पानी भर जाने के बाद लोग पलायन को मजबूर हैं। बाढ़ बारिश से सबसे बुरा तो राजस्थान में है। भरतपुर में पानी के तेज बहाव में 7 बच्चे डूब गए। बच्चों की तलाश में काफी देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन बच्चों को बचाया नहीं जा सका। तो करौली में जरूरत से ज्यादा बारिश होने के चलते जनजीवन बेहाल है। वहीं दिल्ली NCR में भी लगातार बारिश से बुरा हाल है। सड़कों पर पानी भर जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भीषण बारिश के बाद सड़कों पर कई फीट पानी लग गया। पानी भरने की वजह से सड़कों पर गाड़ियां फंस गईं, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से प्रयागराज के आसपास इलाकों में पानी भर गया, तो वहीं नेपाल से सटे जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहीं इस बीच उत्तर भारत में भी बारिश एक बड़े खतरे के तौर पर लोगों को डरा रही है। कहीं पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं, तो कहीं दरिया में उफान है। बाढ़ से मुश्किल में इंसानों की जान है, तो जानवरों का हाल बेहाल है। जाहिर है राहत देने वाली बारिश अब खतरनाक रुख अख्तियार कर चुकी है, जिसे लेकर चारों तरफ दहशत ही दहशत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उस शैतान चेहरे की, जिससे अब हर कोई जो है खौफ में है। दरअसल डॉक्टर को देखिए धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन उस भगवान के साथ दरिंदगी करने वाले हैवान की करतूत देखकर पूरा देश शॉक में है, और देश का हर इंसान कोलकाता के उस दरिंदे को फांसी पर लटका देना चाहता है। लेकिन हैरानी देखिए कि जिस दरिंदे की अपराध कुंडली पहले से ही पुलिस के पास मौजूद थी, वो फिर भी आराम से एक सरकारी अस्पताल में आता जाता रहता था। जी हाँ, लेडी डॉक्टर के गुनेगार की क्राइम कुंडली में किस किस गुनाहों के दाग पहले से दर्ज हैं, रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है।